woman entering in a hotel room with a man, it does not mean that she consented for the sexual intercourse with that man. This is the recent ruling given by Bombay High Court. अपने एक recent ruling में Bombay High Court के Goa bench ने ये कहा कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ होटल रूम में जाती है तो इसका अनुमान हम ये नहीं लगा सकते हैं और हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने अपना कंसेंट दिया था फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझते हैं. इन एन इंपॉर्टेंट रूलिंग द गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने अपने इंपॉर्टेंट रूलिंग में रिसेंटली ये कहा है कि अ वुमन बुकिंग अ होटल रूम विथ अ मैन एंड गोइंग इनसाइड द रूम विथ हिम डज नॉट इंप्लाई दैट सी कंसेंटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम. अगर एक महिला होटल रूम बुक करती है और एक पुरुष के साथ होटल रूम में एंटर करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कंसेंट था फॉर इंटरकोर्स. केस है हमारा कंकोन पुलिस स्टेशन वर्सेस गुलशन अहमद. जस्टिस भरत पी देश पांडे underscored that even if it is assumed that the woman entered the room with the man, the same cannot by any stretch of imagination be considered as her consent for sex. तो अगर महिला होटल रूम बुक करती है और किसी आदमी के साथ एंटर करती है तो हम किसी भी तरह से ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसका कंसेंट था फॉर इंटरकोर्स. It is no doubt that there is material to show that accused and complainant were instrumental in booking room. आगे बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच ने ये कहा और जो जज साहब थे वो थे जस्टिस भरत पी देश पांडे. इन्होंने ये कहा कि हाँ यहां कोई डाउट नहीं है कि दोनों ने मिल करके होटल रूम बुक किया था. However, that would not be considered as consent given by victim for purpose of sexual intercourse. लेकिन इसका inference हम ये नहीं draw करेंगे कि उसका consent था. Even if it is accepted that victim went inside the room along with accused, the same cannot by any stretch of imagination be considered as her consent for sexual intercourse. The court said. Court ने ये कहा. Therefore, the court quashed the order of discharge passed by trial court in March 2021 by which rape case against the accused Gulsar Ahmed had been closed. तो trial court ने क्या observation लिया था? Trial court ने ये observe किया था कि क्योंकि जो महिला थी उसने होटल रूम खुद से भी बुक किया था और वो होटल रूम में एंटर की थी तो इसका मतलब कि उसका कंसेंट था फॉर इंटरकोर्स. और इस बेसिस पर उस मैन के अगेंस्ट जो केस चल रहा था सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का, उसे ट्रायल कोर्ट ने क्लोज कर दिया था. हाई कोर्ट ने इस रूलिंग के तहत जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे क्वेश कर दिया और फिर से ट्रायल शुरू करने का आदेश दे दिया. आगे क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आइए समझते हैं. इन इट्स ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज द ट्रायल कोर्ट हैड सेड दैट सिंस द वुमन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बुकिंग द होटल रूम एंड एंटर्ड द सेम विद अक्यूज्ड ही हैड कंसेंटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट टुक प्लेस इनसाइड द रूम. तो ट्रायल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्योंकि उस वुमेन ने भी होटल रूम बुक किया था उस मैन के साथ और उसके साथ वो होटल रूम में एंटर की थी तो इसका मतलब है कि उसका कंसेंट था और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा उस मैन के अगेंस्ट चल रहे सेक्शन 376 आईपीसी के केस को खारिज कर दिया गया था. राइट. जस्टिस भरत पी देश पांडे ने आगे क्या कहा.
Drawing such an inference is clearly against the settled proposition, and specifically when the complaint was lodged immediately after the incident. तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से गलत है, फॉल्स है, राइट। और ये इसलिए भी फॉल्स हो जाता है क्योंकि इंसिडेंट होने के तुरंत बाद उस महिला के द्वारा पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट लॉन्च कराया गया था। तो इस इंसिडेंट को ट्रायल कोर्ट कैसे इग्नोर कर सकती है? अब पूरा मैटर क्या था आइए समझते हैं। The case arose in March 2020 when the accused allegedly offered the survivor woman a private employment overseas. So March 2020 में उस आदमी ने औरत को private employment देने का झांसा दिया। The accused had reportedly deceived the woman to come to a hotel room in guise of meeting with an agency. और accused ने ये कहा था कि आप आओ होटल रूम में क्योंकि हम एक एजेंसी से मिलेंगे और वहां एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत किया जाएगा। बोथ अक्यूज्ड एंड सर्वाइवर हैड बुक्ड द रूम टुगेदर। और यहां क्या था कि अक्यूज्ड जिसने रेप किया और वुमेन दोनों ने एक साथ रूम बुक किया था फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग, राइट। हाउएवर द सर्वाइवर यानी वुमेन एलिज्ड दैट शॉर्टली आफ्टर एंटरिंग द होटल रूम द अक्यूज्ड देयरफॉर threatened to murder her, he then raped her. तो महिला ये कहती है कि जैसे ही वो होटल रूम में उस मैन के साथ एंटर करती है उसके तुरंत बाद उस मैन के द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और फिर उसके साथ रेप किया जाता है। She stated that when accused went to bathroom, she fled the room and ran out of the hotel and informed police. बाद में वो बताती है कि जब वो मैन बाथरूम में जाता है तो फिर मौका देख करके वो वहां से भाग निकलती है और पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट लॉन्च करती है। सब्सिक्वेंटली द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड एंड बुक्ड अंडर सेक्शन 376/506 ऑफ आईपीसी। और इस तरह से उस मैन के अगेंस्ट सेक्शन 376 और 506 ऑफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाती है और उसे अरेस्ट किया जाता है। The trial court discharged the accused, holding that since the woman had voluntarily gone inside the room, she had consented to sexual intercourse. Trial court ये कहते हुए उसे डिस्चार्ज कर देती है कि चूंकि वो वुमेन अपने कंसेंट से होटल रूम में एंटर की थी और दोनों ने मिलकर के रूम बुक किया था तो इसका मतलब उसका कंसेंट था फॉर दैट एक्टिविटी। The High Court rejected these findings and observed that the trial judge clearly committed an error by making such observation. So High Court ने कहा कि जो trial court है उसने error commit किया है। उसने इस matter के केवल एक ही side को observe किया है, दूसरे side को ignore किया है। इसलिए trial court के discharge के order को High Court ने quash कर दिया। The court noted that trial judge mixed two aspects of survival, first going inside the room without any protest and giving consent to what takes place inside the room. So High Court ne kaha ki trial court ne keval ye observe kiya hai ki woman us man ke saath hotel room mein enter karti hai aur jo kuch bhi andar hota hai uske liye wo protest nahi karti hai, koi virodh nahi karti hai. The action on the part of complainant immediately after coming out of the room and then with crying calling the police and lodging a complaint on that day itself shows that the overt act allegedly carried out inside the room by the accused was not consensual, the court reasoned. So High Court ne kaha ki trial court ne is aspect ko ignore kar diya ki jo complainant thi, jo mahila thi, hotel room se bahar nikalne ke baad तुरंत वो FIR लॉन्च कराती है और होटल रूम से वो रोते हुए बाहर निकलती है। The court also noted that hotel personnel had also detailed the whole scenario
इन लाइन विद वुमेन्स स्टेटमेंट, कोर्ट ने यह भी कहा कि होटल पर्सनल ने भी वही सारी बातें बताई कि जो वुमेन है होटल रूम से रोते हुए बाहर निकलती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है और फिर FIR लॉन्च कराती है। तो ट्रायल कोर्ट ने इस इंसिडेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। Therefore, court rejected accused claim that woman had no issue in booking hotel room and that they had lunch together before entering the room, implying that she agreed to sexual intercourse. Hence, it set aside the discharge order passed by trial court and restored the trial against the accused. तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल इसी ऑब्जर्वेशन को माना और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसे डिस्चार्ज कर दिया कि वुमेन और उस मैन ने एक साथ होटल रूम बुक किया था और होटल रूम बुक करने से पहले उन दोनों ने एक साथ लंच किया था और जो कुछ भी अंदर हुआ उसका उस वुमेन ने कोई विरोध नहीं किया था, इसका मतलब उसका कंसेंट था। तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को फॉल्स माना, रॉन्ग माना और कहा कि ट्रायल कोर्ट से एरर हुआ है, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज को हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया। तो आउटकम क्या निकलता है? आउटकम ये निकलता है कि इफ अ वुमन एंटर्स इन अ होटल रूम विद अ मैन, इट डजंट मीन दैट कि उसका कंसेंट है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस रूलिंग के ऊपर, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।